हम बाहर आ चुके हैं और पापा के साथ जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये रे पापा बराबर में, और ये फाटक है हमारे यहाँ का, देख सकते हो, ठीक है। जैसा कि पिछले वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारे यहाँ का रास्ता है। हम जा रहे हैं घूमने के लिए, हमारे यहाँ एक नहर सी है, नहर के वहाँ को जा रहे हैं। और भाई दिखाता हूँ मैं कैसे निकलते हैं, ठीक है ना। देखो भाई पापा कैसे निकलेंगे ग्रिल में को, ठीक है ना। ये भाई यहाँ से टूट, भाई देख लो मौसम कितना सुहाना हो रहा है, देख रहे हो मौसम, ठीक है। और ये यहाँ पे स्कूल है हमारे यहाँ, बढ़िया स्कूल है, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। ये पीछे का नज़ारा है, देख लो कैसा लग रहा है आपको, बताना यार, ठीक है। ये जा रहे पापा और ये हम जा रहे हैं आगे, और तुम हमारे साथ साथ चल रहे हो और रास्ते का आनंद लो। देख लो ये स्कूल है यहाँ, वैसे स्कूल खुल चुका है, ठीक है ना। पूरा ग्राउंड बना हुआ है ये बैठने के लिए। ये रोड देखो भाई, ये है रोड यहाँ का, ठीक है। और ये वही वाला मंदिर है जहाँ पे परसों व्लॉग आया था, ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे परसों वाले व्लॉग में आया था ये, ठीक है ना। और भाई आगे आगे जाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे हम। तो भाई बाइक वाइक तो है नहीं मेरे पास, अब तो पैदल घूमना पड़ रहा है, ठीक है ना। बाइक वहाँ बंद है यार, थाने में बंद है, चलान कट गया था मास्क का, उसके लिए बंद है वो। कोई बात नहीं भाई, अब ज़रूरी नहीं है, जब नहीं थी जब भी पैदल घूमते थे, अब घूम लेंगे, ठीक है ना। जिस दिन पैसे वगैरह होंगे उस दिन उठा के ले आएंगे उसको वहाँ से। और चक्कर क्या है कि उसमें भी 4-5-6 हज़ार रुपये लगाने पड़ेंगे, वो ख़राब हो रहा है, उसका इंजन वगैरह, चैन वैन सब कुछ ख़राब हो रहा है, टायर भी बेकार हुए पड़े हैं, ठीक है ना। तो उसमें तो 6-7 हज़ार रुपये लगेंगे, जब जाके वो बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड फटाफट से लाइक कर दें आप, ठीक है, और कमेंट कर दें और शेयर कर दें, ठीक है, जिससे कि हमारी बाइक जल्दी आ जाए। जो जो चाहता है कहाँ पर हमारी बाइक जल्दी आ जाए वो फटाफट से कमेंट कर दे हमें। और मिलता हूँ मैं आपसे आगे की तरफ को थोड़ा। ये गाइस ये हमारे यहाँ पे है गाजियाबाद इंद्रप्रस्थ योजना, ठीक है ना। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया मकान वगैरह मिलते हैं, आप में से किसी को पसंद हो तो ले लेना, ठीक है। एक तो ये इस साइड का पार्क है गाजियाबाद इंद्रप्रस्थ एरिया, और भाई एक ये इस तरफ का पार्क है, इसमें भी ये भी गाजियाबाद इंद्रप्रस्थ एरिया है। मतलब फेज़ टू फेज़ वन का कुछ ऐसा सिस्टम है यहाँ, ये फेज़ वन है ये, अच्छा पॉकेट ई ब्लॉक है ये, ठीक है, वो दूसरा ब्लॉक है। तो आपको अच्छा लगे तो देख लेना ये, तो भाई देख लो यहाँ हरी हरी घास है, पेड़ हैं। ये देहात एरिया है जहाँ हम चल रहे हैं, देहात का एरिया है, ठीक है, लोनी देहात है ये, सब देहाती है, सब गांव वाले हैं, ठीक है। तो भाई देखो और मज़े लो यार। तो भाई ये देख लो, ये रोड पर हैं, रोड पर सो रहे हैं ये बंदे, ठीक है ना, लोहार का काम करते हैं ये सब, ये रोड पे सो रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो रोड पे सोते हैं, ठीक है ना। तुमसे कभी किसी की हेल्प हो तो कर देना, वरना जोर जबरदस्ती किसी पे है ही नहीं, ठीक है ना। और ये पेट्रोल पंप है यहाँ का, हमारे यहाँ का लोनी क्षेत्र का, लोनी क्षेत्र का पेट्रोल पंप है। और भैया ये ग्राम बंथला बता रहे, ये कैप्सूल खड़े हुए हैं भाई, देखो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे है ना इंडियन ऑयल कंपनी की पूरी गैस एजेंसी है, यहीं से गैस वगैरह रिफिल होती है, इन क्या कहते हैं कंटेनरों में गैस रिफिल होती है, और फिर ये बाहर जाती है, सिलेंडरों में भरी जाती है, सारे काम होते हैं मतलब इनमें यहाँ पे, ठीक है ना। गैस एजेंसी देख सकते हो आप, ठीक है ना, यहीं पर जाते हैं, रिफिल होके जाते हैं वापसी में। फिर गाइस मैं आपकी थोड़ी यादें थी, पुरानी यादें नहीं कर दूँ, ये देख रहे हो आप पबजी की तरह लग रहा है ये झोंपड़ी सी, जो पबजी के अंदर घुस के फ्री फायर वगैरह में जाके गोलियां चलाते हैं, उसी तरह लग रहा है। और ये भाई नहर का एरिया आ गया, ठीक है ना, यही है नहर वाला एरिया, दुकानें हैं यहाँ पे देख लो, सारे में दुकान सी लग रही है, और यहीं से नहर आ जाएगी, ये नहर है इधर, ये जो जा रही है पूरी आर पार, ये नहर है। तो मैं दिखाता हूँ आपको,
पता लग रही थी भूख, ठीक है ना, और इसलिए है ना मैं आ गया यहाँ बिरयानी वाले के पास। पापा ले रहे हैं बिरयानी, हम बिरयानी खाएंगे यार, ठीक है। यहाँ की बिरयानी थोड़ी फेमस सी है, ये देख सकते हो आप, और ये देख लो पीछे वही पबजी वाला शो चल रहा है। तो बस भाई कोई बात नहीं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, देखते रहें।